الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا बुजुर्गान मोहतरम व अज़ीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत और अपने फ़ज़्ल व करम से हमें इस अल्लाह के अपने घर में एक ऐसी अजीब तरीन चीज़ की तौफीक अता फरमाई कि जिस चीज़ का तकाजा और जिस चीज़ की ज़रूरत बतौर ख़ास आज के दौर में बेहद ज़रूरी, इसलिए कि हालात जिस तरह हमारा सामना कर रहे हैं, जिन हालात से, जिन नाजुक हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, इन नाजुक हालात से अगर हमें निकलना है और इन हालात का अगर हमें सामना करना है तो वो वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ का सहारा लेकर हम दुनिया में आने वाले हर हालत का मुकाबला कर सकते हैं, हर तरह के हालात का हम सामना कर सकते हैं और उन हालात को पसे पुश्त डालकर आगे बढ़ सकते हैं। वो एक ही चीज है और वो है अल्लाह तबारक व तआला का बाबरकत मुकद्दस मुअज्जज और मुकर्रम कलाम पाक। इसलिए कि आदमी जब दुनिया में पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मौत तक के जितने भी अहवाल और जितने भी पेश आने वाले हालात हैं, उन तमाम हालात का हल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कलाम पाक में रखा है। इसलिए कि जब बंदा दुनिया में आता है तो उसे किसी चीज की खैर खबर नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान करीम के पारा नंबर 14 में वज़ाहत खुद फरमाया, वल्लाहु खलकतुम मिन बुतूनी उम्मातिकुम, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे माओ के पेटों से पैदा किया, किस हाल में, ला तअलमून शैआ, कि तुम किसी चीज को भी नहीं जानते थे, ना हलाल की तुम्हें तमीज थी, ना हराम की तुम्हें तमीज थी, आपको ना रोना मालूम था, ना हंसना मालूम था, आप किसी भी चीज से वाकिफ ही नहीं थे। ऐसी हालत में अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। और जाहिर सी बात है कि बंदा दुनिया में पैदा हुआ कुछ नहीं जानता था, अब उसे जानने की सलाहियत किसने दी, अल्लाह ने दी,
फिर उसके ऊपर आने वाले हालात को वो तलाश कैसे करेगा, उन हालात का हल कैसे निकालेगा। उन हालात को हल करने के लिए अल्लाह ने एक अजीम नमूना कुरान करीम की शक्ल में हमें अता किया। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम सिर्फ कुरान करीम को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए बदनसीबी की बात है, इसलिए कि कुरान करीम एक ऐसा अजीम तरीन ज़ाब्ता हयात है कि जिसको हमें मशाले राह बनाकर जिंदगी गुजारना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ मस्जिद में आए, कुरान करीम को नमाज में पढ़ा गया सुन लिए, और सुन्नतों में सूरह फातिहा की तिलावत किए, और उसके साथ एक दो सूरतें पढ़ लिए और मस्जिद से निकल लिए, बस कुरान करीम से हमारा और हमारा कुरान करीम से यही रिश्ता है। इसके अलावा आप भी बताएं कि कुरान करीम से हमें कोई वास्ता ही नहीं पड़ता कि हम कुरान करीम को उठाएं, बैठें, पढ़ें, ऐसा कोई हमें वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का फज़ल है, उसका करम और रहम है कि अल्लाह ने हमारे जहन में और हमारे जिम्मेदारों के जहन में ये बात डाली कि जहां हम थोड़ा बहुत कुरान करीम पढ़ लेते हैं, लेकिन उस कुरान करीम के पढ़ने के साथ साथ थोड़ा बहुत समझना भी ज़रूरी है। इसलिए कि हालात बहुत नाजुक हैं, हालात को परखना है, हालात को जानना है, समझना है, तो कुरान करीम का इल्म होना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी फिक्र को और इसी तरफ को लेकर हमारी इस मस्जिद खुलादाद में जिम्मेदारों की मेहनतों से ये अजीम तरीन चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह वजूद में आई, और अल्लाह के कलाम पाक की तफसीर का एक मुकद्दस सिलसिला आज से शुरू हुआ। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं ये कुरान करीम का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हमारी सांस मौजूद रहे उस वक्त तक इस अल्लाह के घर में कायम और दायम रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे इस्तेकामत की दौलत से मालामाल फरमाए। अज़ीज़ा निगरामी, ये कुरान करीम की तफसीर, कुरान करीम को समझना और जो समझा गया उस पर अमल करना, हम इस चीज को बड़ी मामूली चीज समझते, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो ये हमारे दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़ामिन है। यही तो कलाम पाक है कि जिस मुकद्दस कलाम के जरिए ऐसे ऐसे मसाइल हल होते हैं कि जिन मसाइल का इंसान के ज़हन और दिमाग में वहम गुमान भी नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह अब जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि वार में हफ्ते में एक मरतबा हफ्ते के दिन ईशा की नमाज के बाद 15 से 20 मिनट आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, एक मुख्तसर से वक्त में एक आयत या दो आयतों की ही सही इंशाअल्लाह तरतीब से तफसीर शुरू करेंगे, और इसका फायदा आप धीरे धीरे खुद अपनी जिंदगियों में देखेंगे, नजर आएंगे आपको खुद इसका फायदा नजर आएगा। लेकिन फायदा उस वक्त होगा जबकि आप लोग इस नीयत से बैठेंगे कि इंशाअल्लाह खुदा के कलाम से हमें जो भी सबक मिलेगा उस सबक को हम दूसरों तक भी पहुंचाएंगे और उस सबक पर हम खुद भी अमल करेंगे। इसलिए कि अगर सुन लिए और अपनी जिंदगी में उसको बरोए कार नहीं लाए, उस पर हम अमल नहीं किए, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये जो सुन रहे हैं अगर अमल की नीयत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अगर वाकईतन अमल का जज्बा ना भी हो तो आदमी की नीयत पर चूंकि अल्लाह के फैसले होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की दुनिया में उतारेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, तफसीर कुरान मजीद एक बहुत ही अहम चीज है। ये जो तफसीर का ये जो लफ्ज है इसके माने हैं, ये निकला है फसल से, फसल कहते हैं अल वुजू वल बयान, यानी किसी चीज को जाहिर करना, किसी चीज को बयान करना। अब तफसीर कुरान का मतलब है
कि कुरान करीम की हर आयत को, कुरान करीम के हर एक मजमून को खोल खोल कर बयान करना और उसके मानी को, उसके तर्जमे को समझना और समझाना, इसी का नाम तफसीर है। अगर हम अपनी जुबान में बोले तो तफसीर दरअसल नाम, आज चूंकि पहला दिन है इसलिए मैं बतला रहा हूं कि तफसीर कहते किसे हैं। अगर ये समझ लेंगे तो आगे जो आयतों की तफसीर आपके सामने आएगी खुद आपको मजा आता जाएगा अल्लाह के कलाम की चाशनी को सुनते हुए। तफसीर दरअसल कहते इसे हैं कि जो चीज जिस तरीके पर अल्लाह ने कलाम पाक को हमारे नबी को समझाया और हमारे नबी से जिस तरह सहाबा ने समझा और सहाबा ने जिस सहाबा से जिस तरीके पर ताबईन ने समझा और ताबईन ने जिस तरीके पर तबई ताबईन से समझा और तबई ताबईन से जिस तरीके पर मुहद्दिसीन और अइम्माए इज़ाम ने समझा और अइम्माए इज़ाम और मुहद्दिसीन से जिस तरीके पर हमारे अकाबिर ने समझा, मुकम्मल जिस तरीके पर हमारे नबी ने समझा, उस तरीके पर कुरान करीम के समझने को तफसीर कहते हैं। हम बस सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ देते हैं, लेकिन अगर मजमे में से माफ करें किसी एक को भी अगर पूछ लें कि बताएं कि सूरह फातिहा का तर्जमा क्या है, तो वाकईतन मुकम्मल तौर पर कोई नहीं बता पाए। जब एक नबी के उम्मती हैं, नबी की जात पर उतरा हुआ मुकद्दस कलाम है, उसको हम हर नमाज में दोहराते हैं, तो हमें मालूम भी होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम कुरान में जो नमाज में जो सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे हैं, हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं और अल्लाह हमसे क्या कहलवा रहे हैं, इसका भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि हम लोग सिर्फ नमाजों की हद तक कुरान करीम को रखे हैं, उसको समझने का हम मौका नहीं देते। अजीजा निगरानी, ये एक अनोखा निराला मौका है हमारे लिए कुरान करीम को समझने का, इसलिए कोशिश करें पाबंदी के साथ और इस नीयत से कि जहां हमारे दुनिया के बहुत सारे मशाग़िल हैं, बहुत सारी हमारी ज़रूरतें हैं, उन तमाम ज़रूरतों के साथ साथ हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा 15-20 मिनट अल्लाह के कलाम के लिए निकाल लें, इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगियों में नज़र आएगा, बज़ाहिर दुनियावी ज़िंदगी में भी और बबातिन आखिरत की ज़िंदगी में भी आपको नज़र आएगा। तो मैंने खुतबे में, चूंकि आज कुरान करीम की इब्तिदा है, कुरान करीम की इंशाअल्लाह जो तफसीर यहाँ पर होगी वो बितरतीब होगी, तफसीर से होगी। पहले कुरान करीम में सूरह फातिहा है, इंशाअल्लाह पहले सूरह फातिहा की तफसीर होगी, फिर उसके बाद सूरह बकरा की, यानी जिस तरीके पर बितरतीब आयतें कुरान पाक में मौजूद हैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसी तरतीब पर हमारी तफसीर होगी। और ज्यादा नहीं, एक आयत ही सही, हफ्ते में दो आयतें ही सही, बस इतनी ही तफसीर करेंगे। लेकिन जो तफसीर करेंगे और जो आप सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल के जज्बे से सुनेंगे। अजीजाने गिरामी, सूरह फातिहा ये कुरान करीम की सबसे पहली सूरत है तरतीब के एतबार से। तरतीब के एतबार से मतलब वन बाई वन जिसे हम कहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो तरतीब हम कहते हैं उस तरतीब के एतबार से कुरान करीम की जो पहली सूरत है ये सूरह फातिहा। इसलिए कि अल्लाह का कलाम है, ये समंदर है, इसका वाकईतन हक हम लोगों से जिस तरीके पर अदा होना था वैसे अदा नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि हत्तल इम्कान अल्लाह के कलाम को सुनेंगे भी और उसको समझकर अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश भी करेंगे। अजीजा ने गिरामी, सूरह फातिहा ये कुरान करीम की पहली सूरत है और इस सूरत के
बहुत सारे फजाइल हैं, इतने फजाइल हैं कि जिन फजाइल पर आज तक हमारा जहन गया ही नहीं। बस हम सूरह फातिहा नमाज में पढ़ते हैं और कभी अगर कोई जरूरत पेश आ गई तो सूरह फातिहा पढ़ लिए बस। लेकिन उलामा हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह हजरत को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, हमारे उस्ताद मोहतरम थे, हजरत की तफसीर की किताब है हिदायतुल कुरान। हजरत की ये जो तफसीर की किताब है बड़ी मोतबर और मुस्तनद किताब है, मुकम्मल हवालों के साथ हजरत ने किताब लिखी। और हजरत लिखते हैं, दरअसल ये जो किताब है, हम जो यहाँ आज जो तफसीर कर रहे हैं, इस तफसीर से पहले जिन किताबों का हमने सहारा लिया, जिन किताबों का हमने मुताला किया, उनमें से एक किताब हजरत की किताब भी है हिदायतुल कुरान। हजरत उस किताब में लिखते हैं कि ये जो हिदायतुल कुरान जो किताब है, दरअसल इसको लिखने वाले काशिफुल हाशमी नामी एक बहुत बड़े आलिम थे, हजरत ने उस किताब के लिखने की इब्तिदा की थी। हजरत ने अकीद के चंद पारे पारों को लिखा था, फिर हजरत ने छोड़ दिया था। फिर हमारे हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी दामद रहमतुल्लाह अलैह ने इरादा किया कि मैं इंशाअल्लाह हजरत की इस किताब को मुकम्मल करूंगा। हजरत किताब में लिखे हैं कि मैंने इस किताब को लिखने का इरादा तो किया और शुरू के चंद पारों को मैंने लिखा, लेकिन चूंकि दीगर अपनी जिंदगी की जरूरियात थी, दारुल उलूम में चूंकि हजरत मुदर्रिस थे, उस मौके पर जब हजरत ने किताब लिखा, हजरत तिर्मिजी का दर्स देते थे, हजरत लिखते मैं किसी मशगूली की बुनियाद पर किताब को लिखना छोड़ दिया था। ये इतनी मुस्तनद और मोतबर किताब है। इस किताब की अहमियत को आप इस किताब की अहमियत आपके सामने बतला रहा हूँ। हजरत फरमाते हैं कि एक मरतबा कहीं मेरा सफर हुआ, हजरत किताब में लिखे हैं तफसीर की इब्तिदा से पहले हजरत लिखे हैं कि एक मरतबा कहीं मेरा सफर हुआ, मैं अपनी घर की निगरानी के लिए मदरसे के एक तालिबे इल्म को घर पर रखकर सफर में गया था। तालिबे इल्म मेरे घर के दालान में सो रहा था। वाकया ये हुआ कि तालिबे इल्म के ख्वाब में आप अली सलातो सलाम तशरीफ लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तालिबे इल्म से फरमाया कि आपके हजरत से फरमा देना कि उस किताब को जल्द से जल्द पूरी करें। ये जो हजरत ने हिदायतुल कुरान लिखा है उसके सिलसिले से हजरत के लिखे हुए कलिमात हैं कि उस तालिबे इल्म के ख्वाब में आप अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कि आपके हजरत से कहना कि किताब को जल्द से जल्द पूरा करें। और एक दूसरा वाकया हजरत लिखे हैं, सहारनपुर से एक वालिदा एक खातून का खत हजरत की खिदमत में आया। खत हजरत ने खोल कर पढ़ा तो वो खातून उस खत में लिखती है कि हजरत कई दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्वाब में आप अलैहि सलातो सलाम की तशरीफ आवरी हो रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना है कि सईद से कह दो कि उस किताब की तकमील जल्द से जल्द कर दे। हजरत के सामने जब ये दो कारगुजारियां आई तो हजरत ने अब मुस्तकिल तौर पर कोशिश की और तकरीबन 1431 हिजरी में 30 पर 1 हिजरी में हजरत ने इस किताब हिदायतुल कुरान को पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुस्तनद किताब है और जामे अंदाज में हजरत ने इस किताब में मुकम्मल दलाइल और मुकम्मल तौजीह के साथ हजरत ने कुरान करीम की तफसीर लिखी। हजरत ने उस किताब में फरमाया है कि सूरह फातिहा के 5 नाम हैं। सूरह फातिहा जो अलहम्द शरीफ नमाजों में पढ़ते हैं, इसके कुल 5 नाम हैं। पहला नाम लिखते हैं सूरतुस सलात। सलात कहते हैं अरबी में नमाज को, यानी ये वो सूरत है कि जिस सूरत का नमाज में पढ़ना जरूरी है। हर आदमी अपनी नमाज में सूरह फातिहा पढ़ता है और पढ़ना यकीनी है और जरूरी है। तो एक नाम हुआ इस सूरह फातिहा का सूरतुस सलात, यानी नमाज की सूरत। यानी नमाज में पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाती है,
उसके बाद दूसरी सूरत पढ़ी जाती है, तो गोया इस सूरत का एक नाम है सूरतुस सलात और दूसरा नाम हजरत ने फरमाया सूरतुल हम्द। इस सूरत का आगाज हुआ है अलहम्द से। हम्द कहते हैं तारीफ को, तारीफ करने को हम्द कहते हैं। चूंकि इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह की उलूहियत को भी बयान किया जा रहा है और अल्लाह की रुबूबियत को भी बयान किया जा रहा है, गोया अल्लाह की तारीफ हो रही है। लिहाजा अल्लाह की ये जो सूरत की इब्तिदा में तारीफ हो रही है, इस बुनियाद पर इस सूरत का एक नाम सूरतुल हम्द भी और तीसरा नाम हजरत ने फरमाया सूरतुल फातिहा, जो इसका आम नाम है, जिसके नाम से तमाम लोग वाकिफ हैं। फातिहा हजरत कहते हैं कि फातिहा ये दरअसल है फतह से, फतह के माना खोलना, इब्तिदा करना, शुरू करना। और चूंकि कुरान करीम की बिततरतीब जिस सूरत से इब्तिदा हुई है वो सूरह फातिहा से अलहम्द शरीफ से है, इस बुनियाद पर इस सूरत का नाम सूरह फातिहा रखा गया। तीन नाम हुए। आज की इस तफसीर से हमें कुछ ना कुछ सबक मिल रहा है कि सूरह फातिहा के, हमको आज तक पता नहीं था कि सूरह फातिहा के पांच नाम, उसका एक नाम सूरतुस सलात भी है इसलिए कि ये सूरत नमाजों में पढ़ी जाती है, और दूसरा नाम सूरतुल हम्द है, हम्द के माने है तारीफ करना। चूंकि इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह की तारीफ हो रही है, अल्लाह की बुलंदी को बयान किया जा रहा है और अल्लाह की रुबूबियत को बताया जा रहा है, तो इस सूरत का दूसरा नाम सूरतुल हम्द है और तीसरा नाम सूरतुल फातिहा, फतह के माने खोलना, शुरू करना, इब्तिदा किसी चीज का आगाज करना। अब चूंकि कुरान करीम की इब्तिदा सूरतुल फातिहा से इसी अलहम्द शरीफ से हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इस बुनियाद पर इस सूरत का तीसरा नाम है सूरतुल फातिहा। और चौथा नाम हजरत ने फरमाया उम्मुल कुरान, कुरान करीम की माँ। रिवायतों में आता है कि सूरतुल फातिहा ये पूरे कुरान करीम का खुलासा है, पूरे कुरान। उम कहते हैं जड़ को, असल को। अब पूरे कुरान करीम का जो खुलासा है वो सूरतुल फातिहा में बयान कर दिया गया, इस बुनियाद पर इस सूरत का नाम उम्मुल कुरान रखा गया, गोया कुरान करीम की माँ। आगे आने वाले जो 30 पारे हैं, इन 30 पारों में जिन जिन चीजों का तस्किरा होगा, उन तमाम तस्किरों का जो मजमा खुलासा है, उस खुलासे को अल्लाह ने कुरान करीम की इस सूरह फातिहा में रख दिया, इसलिए इस सूरत को उम्मुल कुरान कहा है। चार नाम हो गए, सूरतुस सलात, सूरतुल हम्द और सूरतुल फातिहा और चौथा नाम उम्मुल कुरान। पांचवा नाम है सूरतुश शिफा, सूरतुश शिफा। इस सूरत का नाम सूरह शिफा भी रखा गया इसलिए कि रिवायतों हजरत लिखे हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत लिखे हैं इस सूरत के जब इतने नाम हैं तो इतने नाम होने की वजह से इस सूरत की अहमियत का भी पता चलता है। वाकईतन जानी मानी सूरत है तो एक सूरत, लेकिन एक सूरत के पांच नाम बड़ी सलाहियतों के हामिल है। तो एक मर्तबा का वाकया हजरत लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। अब अचानक एक जोरदार आवाज आसमान से आई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ नजर उठाए और कहने लगे कि ऐ नबी, आज आपके लिए आसमान का एक ऐसा दरवाजा खोल दिया गया कि जो आपसे पहले जितने नबी आए उन तमाम नबियों में से किसी नबी पर खोला नहीं गया था, आज आपके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया गया। फरमाते हैं उस वहां से एक फरिश्ता नमूदार हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुआ और आकर कहने लगा कि ऐ नबी, आपकी खिदमत में
आज दो ऐसी अजीब चीजें पेश की गई कि ऐसी अजीब चीजें आप से पहले किसी नबी को नहीं दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो क्या चीजें कि जो मुझसे पहले किसी नबी को अता नहीं की गई, तो फरमाया कि वो दो चीजें ये हैं कि उनमें से पहली चीज सूरह फातिहा है और दूसरी चीज सूरह बकरा की आखिरी आयतें। पहली चीज सूरह फातिहा है और दूसरी चीज सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं। और वहां पर उस फरिश्ते का कौल नकल किया है कि उसने वहां पर कहा कि जो सूरह फातिहा में जिन दुआओं का तज़किरा है, अगर वो दुआएं बंदा अल्लाह से मांगेगा और जो दुआएं सूरह बकरा के आखिर में मौजूद हैं उन दुआओं का बंदा इंतजाम करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी उसकी दुआओं को रद्द नहीं करेंगे। बंदा जो मांगेगा, जो सूरह फातिहा में दुआएं मौजूद हैं, वो सारी दुआएं बंदे की अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाएंगे। तो गोया बंदा जो है सूरह फातिहा पढ़कर अगर किसी मरीज की, अगर कोई बीमार है, मरीज है, किसी भी बीमारी का शिकार है, अगर मुकम्मल इस्तेहजार के साथ अल्लाह की जात पर यकीन कामिल के साथ सूरह फातिहा की तिलावत कर अगर दम करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शिफायाब कर सकते हैं। हजरत ने खुद लिखा है कि सिवाय मौत के सूरह फातिहा में हर बीमारी की शिफा है। और अखीर में हजरत ने लिखा है, खुद मैं इसका मुजर्रिब हूँ, मैं इसका तजर्बा करने वाला हूँ। अपनी जात पर कई मरतबा ऐसा मौका पेश आया कि मैं बीमार हुआ, कई तरह की बीमारियों का शिकार हुआ और मुकम्मल यकीन के साथ सूरह फातिहा की मैंने तिलावत की और इस तिलावत के बाद पानी पर दम किया और उसका मैंने इस्तेमाल किया तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिफाया हुआ। तो गोया सूरह फातिहा दरअसल सूरत शिफा है। इस सूरत में हर बीमारी की शिफा है। लोग जो आजकल बीमारियों के शिकार होते हैं और कई तरह के इलाज कर लेते हैं, लेकिन उन तमाम इलाजों के बावजूद जब वो पस्त हिम्मत हो जाते हैं तो उलमा के पास, हुफ़ाज़ के पास आते हैं कि कुछ दुआ वगैरह पढ़कर कम कर दें। तो याद रखें, किसी के पास आने की बिलवास्ता जरूरत नहीं है। आपके पास खुद अल्लाह का कलाम है और पूरे कुरान करीम की तिलावत की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मुकम्मल यकीन के साथ सूरह फातिहा की आपको जितनी मर्तबा जरूरत हो उतनी मर्तबा तिलावत करें और खुद मरीज के ऊपर फूंक दें या सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर दम करके उस पानी का इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह तुम्हें इंशाअल्लाह इससे शिफा जरूर भी रहेगी। तो इस बुनियाद पर सूरह फातिहा का जो पांचवा नाम हजरत ने लिखा है ये सूरत शिफा है। तो दरअसल सूरह फातिहा के पांच नाम हैं, सूरतुस सलात नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरत, और सूरतुल हम्द अल्लाह की तारीफ पर मुश्तमिल सूरत, और सूरतुल फातिहा कुरान करीम का आगाज इसी सूरत से हो रहा है। इस बुनियाद पर सूरतुल फातिहा और चौथा उम्मुल कुरान पूरे कुरान करीम का खुलासा इस सूरत में है। इस बुनियाद पर इसको उम्मुल कुरान कहा गया, चार नाम और अखीर नाम सूरतुश शिफा। हर ला इलाज मर्ज की शिफा वो कुरान करीम में मौजूद है और कुरान करीम की इस सूरत में मौजूद है। कुरान करीम के दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, हमने कुरान करीम को नाजिल किया इसलिए इसमें शिफा है। लिहाजा बंदे को मुकम्मल इस्तेहजार के साथ और यकीन कामिल के साथ इस सूरत की तिलावत करने की जरूरत है कि अगर वाकईतन बंदा ऐसा करेगा तो इंशाअल्लाह तो मैं इंशाअल्लाह बंदा शिफायाब हो सकता है। तो आज की इस तफसीर से हमें हमारे इल्म में ये बातें आई कि कुरान करीम की तफसीर का मतलब अल्लाह ने जिस तरीके पर नबी को समझाया और नबी से जिस तरीके पर सहाबा ने समझा और सहाबा से वास्ता दरवास्ता जिस तरीके पर कुरान वाकईतन समझने का हक है, सही मानों में उस तरीके पर कुरान करीम के समझने को तफसीर कहते हैं।
अब सूरत दूसरी चीज हमें मालूम हुई कि सूरतुल फातिहा ये इसके पांच नाम है और उनमें से हमें एक अहम फायदा ये हुआ कि सूरतुल फातिहा का एक नाम सूरत शिफा भी है। इस सूरत के पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शिफा अता करेंगे, इस बात का यकीन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह कुरान करीम के इस सूरत से हमें शिफा मिलेगी। ये सिर्फ सूरह फातिहा के फजाइल और सूरह फातिहा के नाम कितने हैं इन चीजों को बयान किया गया, अभी मुस्तकिल तफसीर शुरू नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें अल्लाह की तारीफ है और अल्लाह के रब होने का यकीन है, रब कहते किसे हैं, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब भी मौका मिले इंशाअल्लाह हर हफ्ते मुस्तकिल तौर पर थोड़ा थोड़ा कुरान करीम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह और उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए खुदा की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही मानों में अल्लाह के कलाम की सही समझ और सही फहम नसीब फरमाए और दीन के जितने तकाजे हैं उन तमाम तकाजों पर 100% अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो तफसीर का सिलसिला जो चल पड़ा, जो हमारी मस्जिद में ये जो नूरानी महफिल का आगाज हुआ, दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अजीम तरीन काम में हमें इस्तेकामत नसीब फरमाए, इस अजीम तरीन काम में हमें दवाम इस्तेमरार की दौलत से मालामाल फरमाए, हर तरह के शर से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस काम को महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम सुना रहे हैं, इन तमाम चीजों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।